Welcome guys to the first episode of How Car Works. The first we will talk about rear wheel drive. Rear wheel drive बहुत simple होता है, इसी वजह से ये दुनिया का सबसे मतलब आप कह सकते हैं सबसे पुराना ट्रांसमिशन टाइप है, क्योंकि जो दुनिया की सबसे पहली कार बनी होगी वो भी रेयर व्हील ड्राइव थी. क्यों? बिकॉज इट्स सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू मैन्युफैक्चर. जैसे कि आप देख सकते हैं, ये रहा इंजन, ये रहा टॉर्क कन्वर्टर, ये रहा ट्रांसमिशन फ्रॉम हेयर टू हेयर, दिस इज टॉर्क कन्वर्टर एंड दिस इज द फाइनल ड्राइव, जिसको आप डिफरेंशियल भी कहते हैं. डिफरेंशियल का काम होता है ड्राइव शाफ्ट से आने वाली एनर्जी को बराबर बराबर बांटना. सिंपल सी बात है, रेयर व्हील ड्राइव रगडनेस काफ़ी इंश्योर करती है आपकी, क्योंकि ये गाड़ी को पुल नहीं, ये गाड़ी को पुश कर रही है, और पुल से ज़्यादा पुश करना ज़्यादा इजी होता है. रेयर व्हील ड्राइव ज़्यादातर स्पोर्ट्स कार्स या ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ वाली व्हीकल्स में ज़्यादातर यूज़ होता है. और इंडिया में कौन कौन सी अवेलेबल है मैं आपकी बता देता हूँ आपको. जैसे महिंद्रा स्कॉर्पियो है, टोयोटा इनोवा है, एंड हिंदुस्तान, अगर हिंदुस्तान मोटर्स की एम्बेसडर आपने बहुत फेमस कार है अमंग पॉलिटिशियंस. सो ये गाड़ियाँ काफ़ी रगेड होती हैं और काफ़ी ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ होती हैं इनमें, नॉट ऑल बट स्टिल बेटर देन द फ्रंट व्हील ड्राइव कार. टॉक अबाउट द प्रोज ऑफ रेयर व्हील ड्राइव. फर्स्ट, एक्सेलरेशन. जैसे मैंने बताया कि स्पोर्ट्स कार मोस्टली रेयर व्हील ड्राइव होती है. नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाई. कोई कार स्टैंड स्टिल में होती है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ कार विद अ स्पॉयलर. स्पॉयलर का मैं अभी आपको बताऊंगा इसका एडवांटेज क्या होता है. बहुत लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ एक शो के लिए है, बट इट्स कम्प्लीटली फॉल्स. स्पॉयलर फुल्ली फंक्शनल होता है. सो जब भी एक्सेलरेशन होता है, जब भी इनर्शिया के वजह से गाड़ी का वेट शिफ्ट होता है रेयर व्हील्स में, जिस वजह से क्या होता है, सारा वजन एक रेयर व्हील पे पड़ जाता है और एक्सेलरेशन में मदद मिलती है. क्योंकि हर रेसर चाहता है कि मेरी गाड़ी जब भी स्टैंड स्टिल से एक्सेलरेशन पकड़े तो वो कम से कम उसका जो व्हील स्पिन्स, देखा होगा आपने जैसे टोक्यो ड्रिफ्ट जैसी मूवीज देखी होगी, तो उसमें एकदम कार स्टैंड स्टिल से जब भी अपना एक्सेलरेशन करती है तो उसके व्हील स्पिन होते हैं, उसको व्हील स्पिन ही कहा जाता है, तो वो कम से कम होना चाहिए ताकि गाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा जो एनर्जी है उसको ट्रैक ज़मीन पर टेके और उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें. तो जब भी रेयर व्हील ड्राइव में यही फायदा होता है, जैसे ही वो एक्सेलरेट करेगी तो सारा वेट रेयर व्हील पे पड़ेगा, जिससे सारा वेट की वजह से क्या होता है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा एरिया मिलता है, सरफेस एरिया मिलता है. जैसे कि आप देख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया मिलता है, जिससे बेटर एक्सेलरेशन मिलता है. नॉट टॉक अबाउट लेट्स टॉक अबाउट स्पॉयलर. स्पॉयलर ज़्यादातर लोग सोचते हैं शोकले होता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. स्पॉयलर का काम क्या होता है, जब भी ऐसे हवा चीरती हुई जब कोई कार जाती है तो वो एक नेगेटिव लिफ्ट पैदा करती है. जिस प्रिंसिपल से एक प्लेन, एक हवाई जहाज उड़ता है, उसी का ठीक उलट. इसको ये बस हवाई जहाज का लिफ्ट ऊपर जाता है और कार्स जमीन पे टिके रहने के लिए नेगेटिव लिफ्ट पैदा करती है. तो सबसे पहले बहुत बड़ा जो पॉइंट है वो ये है, नो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट्स. ज़्यादातर जो जितने भी रेयर व्हील ड्राइव कार्स होती हैं उसमें ज़्यादातर कॉम्प्लिकेटेड पार्ट्स नहीं होते. फॉर एग्जांपल जैसे आपने यहीं देखा कि नॉर्मल इंजन है, फिर टॉर्क कन्वर्टर है, सीधा सब कुछ सीधा जा रहा है, आपको कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है यहाँ पे. तो इससे क्या होता है कि आपकी जो हॉर्स पावर है वो आपको ज़्यादातर काफ़ी एक सीमलेसली मिलती है. आपको कुछ अवरोध का कोई पॉइंट ही नहीं होता. वो आप फ्रंट व्हील ड्राइव में देखोगे कि क्यों कितना कॉम्प्लिकेशंस हैं, जबकि इसमें देखो तो ये सिंपल सा है, डिफरेंशियल है, दो उसमें भाग में बांट रहा है, सिंपल. लेट्स टॉक अबाउट कॉन्स. लूजिंग ट्रैक्शन इज वेरी लाइकली टू बी इन द रेयर व्हील ड्राइव कार. बहुत ही ईजिली ट्रैक्शन लूज कर जाता है, हर जगह नहीं, ओनली इन रेनी कंडीशन, स्नोवी कंडीशन, ठीक है, विच कॉज ओवरस्टेयर. नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट ओवरस्टेयर एग्जैक्टली इज बाय दिस वीडियो.
rear wheel drive, let's come to the new front wheel drive transmission. मैंने इसे नया इसलिए बोला क्योंकि ये है ही नया. नया मतलब जैसे कि आपने, आपको पता होगा कि दुनिया की सबसे पहली कार्स यानी बहुत ही इनिशियली जो बनी थी, जैसे कार्ल बेंज ने बनाई थी, मॉडल फोर्ड की मॉडल टी हो गई, वो सारी रेयर व्हील ड्राइव थी बिकॉज ऑफ सिंप्लिसिटी. बट फ्रंट व्हील ड्राइव आजकल बोलते हैं नई चीज़ हो गई, क्योंकि नई चीज़ इसलिए क्योंकि इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस होती है जैसे कि आप देख सकते हैं, और सारा वेट आ गई है पीछे कुछ. एक तरह से गाड़ी अगर आप बीच से काट भी दोगे तब भी ये गाड़ी चलेगी. This is the layout of a front wheel drive car. जैसे कि आप देख सकते हैं, ये रहा इंजन, ये छोटा सा डब्बा हमारा इंजन हो गया, ये इसके टायर्स हैं ब्लैक ब्लैक, और ये इसकी है फाइनल ड्राइव. फाइनल ड्राइव मतलब ये जो ब्लू ब्लू हिस्सा आप देख रहे हैं ये एक्चुअली नीचे है, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये ट्रांसएक्सल है, ये ट्रांसएक्सल है, और ये है आपका टॉक कन्वर्टर. ये छोटा सा जो हिस्सा दिख रहा है ब्लू ब्लू, यह है आपका टॉक कन्वर्टर. दिस इज द लेआउट ऑफ द फ्रंट व्हील ड्राइव कार. और जहाँ तक आपने, जैसे कि आपने देखा, आप खुद ही देख रहे होंगे, सारी चीज़ें मतलब इस कार की सारी चीज़ें एक ही जगह मैश्ड हैं, जिस वजह से क्या होता है सारा वेट आगे की तरफ आ गया है. अब इसके क्या एडवांटेज है हम आगे बात करेंगे. फिलहाल आप ये जानिए कि ये रहा इंजन, ये रहा ट्रांसएक्सल, जो सारी एनर्जी इसकी तरफ यहाँ पे इधर को इसको डायरेक्शन देगा, जो एनर्जी को डायरेक्शन देगा और ये शाफ्ट में पहुंचाएगा नीचे डिफरेंशियल के थ्रू. छोटा सा एक डिफरेंशियल होगा, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है जैसे कि आप खुद ही समझ सकते हो. इट्स वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड, दैट्स व्हाई इट्स न्यू एज यू कैन सी. व्हील ड्राइव आजकल ज़्यादातर कॉमनली यूज होने लग गया है. जहाँ तक आप देखो, जैसे ऑल्टो है, स्विफ्ट है, होंडा सिटी है, सियाज है, ये सारी गाड़ियाँ क्यों फ्रंट व्हील ड्राइव क्यों आ रही हैं? क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक कार्स होती हैं ये, और काफ़ी सेफ होती हैं. पहला पॉइंट ही आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा कि ये चीप कैसे हो गया. अभी मैंने बताया कि कैसे रेयर व्हील ड्राइव चीप होता है, ईजी टू मैनुफैक्चर होता है. The second point, less heavy. Why it's less heavy? Now let me explain. Engine ज़्यादातर front wheel drive cars का ज़्यादा से ज़्यादा 2 point something liters का हो जाता है. जैसे 3 liter का तो मेरे ख्याल से rare case, I think मैं मुझे याद भी नहीं है कौन सी कार हो, कोई hot hatch हो जो 2 liter या 2 से ज़्यादा या 3 से ज़्यादा liter के engine में आए. 4 cylinder सबसे ज़्यादा कॉमन है, 4 to 3 cylinder, यहाँ तक कि नैनो है उसमें 2 cylinders हैं, पर वो एक अलग एक्सेप्शन है कि वो एक रेयर व्हील ड्राइव कार है, पर उसके बारे में अगली बार किसी वीडियो में बात करेंगे कि वो एक रेयर व्हील ड्राइव कार कैसे बन गई. तो 4 cylinder इंजन ज़्यादातर होता है इसमें, ज़्यादा पावर नहीं होती, पर यह है कि टर्बो बाय इनफैक्ट सुपर चार्जर लगा के भी आप किसी 4 cylinder कार को काफ़ी बूस्ट अप कर सकते हैं उनके हॉर्स पावर में. जैसे कि आपने देखा, लेस हैवी. नाउ लेट मी एक्सप्लेन वाई इट्स लेस हैवी. देखो, छोटा सा इंजन लगेगा, छोटा टॉर्क कन्वर्टर भी लगेगा, फिर छोटा ट्रांसएक्सल भी लगेगा. जितना छोटा इंजन उतने छोटे पार्ट्स. पार्ट्स देखो आप तो छोटे छोटे ही हैं, सब यहीं पे सिमट के रह गए हैं, तो इसलिए इनके पार्ट्स काफ़ी छोटे होते हैं तो ज़्यादा हैवी हो नहीं पाते हैं. लेकिन जहाँ तक आपने रेयर व्हील ड्राइव में देखा कि ये देखो, ये रहा इंजन, फिर ये जा रही है शाफ्ट, ये जा रहा है ट्रांसमिशन, ये जा रहा है ये वो, काफ़ी डिफरेंशियल लगाना पड़ेगा. डिफरेंशियल के बाद और एक और शाफ्ट आएगी जो टायर्स को रोटेट करने में मदद करेगी. इसमें काफ़ी पार्ट्स भी लग रहे हैं और ये काफ़ी हैवी हो जाता है. भले उसका बैलेंस है, बट फ़ायदा क्या? अगर आपकी कार ये पूरे दो टन की है और ये कार आपकी ज़्यादा से ज़्यादा 1500 kg या 1200 kg की भी आ जाती हैं, तो यहाँ आप डिफरेंस देख सकते हैं क्यों ये हैवी है, क्यों फ्रंट व्हील ड्राइव कार्स ज़्यादातर लाइट वेट होती हैं. नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, गुड परफॉर्मेंस इन स्लिपरी एरियाज. नाउ लेट मी एक्सप्लेन व्हाई अ फ्रंट व्हील ड्राइव कार इज गुड इन रेनी सीजन और स्नो सीजन. ज़्यादातर जितनी भी कंट्रीज हैं, लाइक जैसे नॉर्वे हो गया, जैसे हमारे कुछ स्टेट्स वगैरह लाइक पौंडीचेरी, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेन होती है, बहुत स्नो होता है, इसकी वजह से उनको कार ऐसी चाहिए होती है जो बेटर ट्रैक्शन प्रोवाइड करे. तो जैसे आप देख ही सकते हैं, सारा वेट फ्रंट एक्सल्स में है.
तो इससे क्या होता है, जैसे मैंने पहले ही बताया, वेट जो जो वेट होता है वो काफी एक मेजर फैक्टर है ट्रैक्शन में। जब वेट होगा इसी वजह से टायर में थोड़ा ग्रिप बन पाएगी, वेट से ही ग्रिप बनती है और उस पर काफी सरफेस एरिया आएगा जिससे वो अपनी एनर्जी सारी यूटिलाइज कर सके। तो फ्रंट व्हील ड्राइव में क्यों इतना अच्छा ट्रैक्शन होता है, क्यों? क्योंकि सारा वेट उसका अगले पहियों में होता है और इन्हीं अगले पहियों से वो स्टेयर भी करती है, जिससे क्या होता है कि वो जहां स्टेयर करना चाहे वहां पर उसको ग्रिप प्रोवाइड हो जाती है। द लास्ट प्रोज ऑफ द फ्रंट व्हील ड्राइव, लेस पार्ट्स टू केयर ऑफ। आपने देखा होगा स्मॉल कार्स लाइक ऑल्टो स्विफ्ट, इनकी सर्विस ज़्यादा महंगी नहीं होती। क्या होता है, देखो आप खुद ही देखिए कि छोटा सा इंजन हो गया, टॉर्क कन्वर्टर हो गया, बस यहीं पे सारा मैशअप हो गया। लेकिन देखा जाए तो पार्ट कितने हैं, 1, 2, 3 और 4, दैट्स इट। लेकिन पार्ट चार हैं, भले उतने ही होंगे जितने रेयर व्हील ड्राइव में होंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये अच्छी बात यह है कि पार्ट्स आजकल काफ़ी रिलायबल है। लाइक जैपनीज कार, जैपनीज लोगों का काफ़ी हाथ रहा है फ्रंट व्हील ड्राइव कार्स को प्रमोट करने में, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी जैपनीज कार्स आर फ्रंट व्हील ड्राइव इनफैक्ट टुडे। और जहाँ तक आप देख रहे हैं, देखिए छोटा इंजन है तो ऑब्वियसली बात है कि कम सिलेंडर्स है तो कम उसकी मेंटेनेंस भी कम होगी और इनफैक्ट चीप चीप होगी, तो इनकी सर्विस ज़्यादा महंगी नहीं होती। और पीछे की तरफ वो बिल्कुल खाली होता है तो इनको पीछे कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ती। किस कॉन्स ऑफ फ्रंट व्हील ड्राइव कार इज अंडरस्टीयर। नाउ लेट मी एक्सप्लेन व्हाट अंडरस्टीयर एग्जैक्टली इज बाय दिस वीडियो। जैसे कि आपने वीडियो में देखा, पर कुछ लोगों ने शायद ये भी सोचा होगा कि यार एग्जैक्टली हुआ क्या, गाड़ी नॉर्मली मुड़ी, बट ऐसा नहीं है। आपने शायद एक देखो, कार नॉर्मली यूं मुड़ जाती है, लेकिन आपने जैसे उसमें देखा हाई स्पीड में अंडरस्टीयर कैसे होता है, क्योंकि जब भी कोई कार एकदम एक हाई स्पीड पे टर्न खाती है तो उसका सारा वेट कहाँ खिसक जाता है, फ्रंट के राइट साइड के टायर पे। और जिस वजह से क्या होता है, ये तो अपनी ट्रैक्शन लूज कर चुका है क्योंकि सारा वेट कहाँ खिसक चुका है, एक राइट वाले टायर पे। तो जैसे ही वो इधर को मुड़ा है सारा वेट आगे के टायर पे पहुंच गया, जिस वजह से वो अपनी ट्रैक्शन लूज करने लग गया है। और ट्रैक्शन लूज कैसे करने लग गया है, चाहे चाहे आप कितने अच्छे टायर्स यूज कर लो, थोड़ा बहुत आपको ग्रिप जरूर मिल जाएगी, पर प्रॉब्लम वही रहेगी कि अंडरस्टीयर हो गई होगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि क्योंकि टायर दो काम कर रहे हैं, पावर देने का भी और स्टेयर करने का भी। तो यहीं पे प्रॉब्लम स्टार्ट होती है अंडरस्टेयर की, कि कोई भी कार, कोई भी फ्रंट व्हील ड्राइव अगर कार अगर हाई स्पीड पे मोड़ काट रही है तो उस पे प्रॉब्लम यही आती है कि वो अंडरस्टेयर होने लगती है। लाइक ऐसे मुड़ने, सिंपली मुड़ने के जगह वो यूं मुड़ने लग जाती है, यानी आपको ऐसा लगता है कि गाड़ी यहाँ धकेली जा रही है, यहाँ पे इधर की साइड धकेली जा रही है, यूं करके, यूं 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 करके, यूं करके चलेगी वो। नाउ द सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ फ्रंट व्हील ड्राइव का, जिसपे लोग शायद ज़्यादा वो नहीं करते हैं, पर महसूस जरूर करते हैं पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, दैट्स टॉर्क स्टीयर। टॉर्क स्टीयर एक अनइंटेंडेड फोर्स होती है जो आपके जो इंजन से निकल के आपके स्टीयरिंग व्हील को आपके मर्जी के खिलाफ मोड़ने की कोशिश करती है। वो कैसा होता है, प्रॉब्लम यहाँ अराइव तब होती है हाई स्पीड कार्स में। फॉर एग्जांपल जैसे काफ़ी परफॉर्मेंस कार्स हैं जो फ्रंट व्हील ड्राइव होती है, लाइक गोल्फ GTI हो गई, मैगन हो गई, रेनॉल्ट मैगन हो गई, क्लियो हो गई, रेनॉल्ट की क्लियो हो गई, एक बहुत पुरानी कार है, आप उसके बारे में जरूर जानिए, बहुत ही अच्छी कार्स हैं। बट प्रॉब्लम यह है कि वही ये सिंपल वो है तो एटलीस्ट एक फ्रंट व्हील ड्राइव कार, तो उनमें ये प्रॉब्लम सेम है। टॉक अबाउट द कॉज ऑफ टॉर्क स्टीयर, अनइवन एयर प्रेशर। जब भी किसी लेफ्ट या राइट टायर में अगर कहीं प्रेशर ज्यादा है या कम है तो यह भी एक कॉज है जिससे टॉर्क स्टीयर हो सकता है। सेकेंड कॉज ऑफ टॉर्क स्टीयर इज व्हील अलाइनमेंट एंड द थर्ड इज अनइवन सरफेस।